नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन के टाइमिंग को लेकर। बिहार में रेल यात्रियों के लेकर अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के तहत जारी अपडेट के अनुसार यह बताया है कि ECR की तरफ से जारी अपडेट में यह कहा गया है कि जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर बताया है कि तकनीकी कारणों से ट्रेनों के टाइम टेबल में बड़ा फेरबदल किया गया है, यानी कि बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के तहत जारी अपडेट के अनुसार पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर कामाख्या एक्सप्रेस के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। गाड़ी संख्या 15079 पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, इसके जो है टाइम टेबल को लेकर जो है बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि यह ट्रेन जो है पाटलिपुत्र से चलती है और यह पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस के नाम से चलने वाली ट्रेन 10 मई से दोपहर के 2:50 पर खुलेगी और यह जो है 2:56 पर जो है ब्रिज हॉल्ट पे पहुंचेगी। इसके बाद यहाँ पे 1 रुकने के बाद यह ट्रेन प्रस्थान करेगी और इसमें यह भी बताया गया है कि पहलेजा घाट और गोरखपुर के बीच में रुकने के समय सारणी में जो है कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी संख्या 03611 पटना सासाराम पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, यह ट्रेन जो है पटना और सासाराम के बीच में चलती है। एक तरह से कह लें कि यह सासाराम और पटना के लिए लाइफलाइन के रूप में भी इसको देखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे पैसेंजर जो है आते और जाते हैं। इसके समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन 10 मई से दोपहर के 3:10 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और 3:32 पर यह जो है दानापुर पहुंचेगी। यहां पे 2 रुकने के बाद दानापुर से खुलने के बाद यह ट्रेन जो है सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेगी। बता दें कि यह ट्रेन बेहटा और सासाराम के बीच में कि जो समय सारणी है उसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी संख्या 03284 यह ट्रेन जो है पटना से बरौनी के बीच में चलती है। इस मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन में जो है इसके भी समय सारणी में 10 मई को जो है बदलाव किया गया है। यह ट्रेन जो है 8:15 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और सचिवालय होल्ट, फुलवारी शरीफ होते हुए पाटलिपुत्र और दिग्गा होल्ट होते हुए यह जो है आगे बढ़ेगी। बता दें कि इस ट्रेन में पहलेजा घाट और बरौनी के बीच के जो समय सारणी है उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। गाड़ी संख्या 15527 पटना जयनगर एक्सप्रेस, यह ट्रेन पटना से जयनगर के बीच में चलती है, या फिर हम कह लें कि जयनगर से पटना के बीच में चलती है। यह ट्रेन का परिचालन जो है 2 मई से सुबह में 3:15 पर जयनगर से खुलेगी, यानी कि यह ट्रेन जो है 2 मई से ही इसका परिचालन जो है समय सारणी में बदलाव किया गया है और यह जयनगर से 3:15 पर खुल रही है। इसके बाद जयनगर से आगे बढ़ते के बाद यह खजौली राजनगर रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए यह ट्रेन जो है मधुबनी और पटना के बीच में, इस ट्रेन के समय सारणी में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी संख्या 13234 दानापुर राजगीर एक्सप्रेस, यह ट्रेन दानापुर से राजगीर के बीच में चलती है। यह ट्रेन 10 मई से सुबह 7 बजे पहले खुलती थी, अब जो है इसके समय सारणी में जो बदलाव किया गया हुआ है 6:50 पर जो है यह ट्रेन खुलेगी और राजगीर के लिए प्रस्थान करेगी। तो एक तरह से कह लें कि राजगीर एक्सप्रेस यानी कि दानापुर राजगीर एक्सप्रेस जो सुबह 7 खुलती थी और 6:50 में खुलेगी दानापुर से। गाड़ी संख्या 13226 दानापुर जयनगर एक्सप्रेस, दानापुर से जयनगर तक चलने वाली यह ट्रेन 10 मई को सुबह 6:50 की जगह पर अब जो है यह 7 जयनगर के लिए प्रस्थान करेगी। एक तरह से कह लें कि जो ट्रेनें हैं उसके समय सारणी में जो है ECR यानी कि पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जो है बदलाव किया गया है, उसके समय सारणी में बदलाव किया गया है और रेलवे की तरफ से खास तौर पे उनके यात्रियों को ध्यान में रखते हुए पहले ही अपडेट जारी किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।